दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द न्यू एक्टिव वर्ल्ड में, मैं नाज़िर अब्बानी। दोस्तों यहां देख सकते हैं माइडिया का 590 लीटर का साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर है। तो आज इसके बारे में बहुत ही बारीकी से स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। दोस्तों इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आता है और इसका रिजोल्यूशन कैसे करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको इसका इसी तरीके का अपडेट हमेशा मिलता रहे। तो दोस्तों चलते हैं टाइम को बिना डिले करते हुए। सबसे पहले इसका बेसिक नॉलेज, अगर आप एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर का वर्क करते हैं तब आपको मालूम होना चाहिए कि किसी भी चीज़ का प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है और वो किस पे वर्क करता है। जैसे ये एयर कंडीशनर रेफ्रिजरेशन में आपको मालूम होना चाहिए कि रेफ्रिजरेशन किसे कहते हैं और एयर कंडीशनर किसे कहते हैं। तो ये जो है रेफ्रिजरेशन साइकिल के अंदर आ जाता है। तो दोस्तों अब हम इसको खोलते हैं और अंदर के पार्ट्स पुर्जे आपको दिखलाते हैं। ये चाइल्ड लॉक है, इसको सबसे पहले लॉक को खोल लेंगे और खोलेंगे। ये जो सामने में है आपको फ़ैन चल रहा है, यानी कि मशीन का जो फ़ैन में प्रॉब्लम नहीं है। इसको खोलने के लिए तीन लॉक रहता है, एक ऊपर में रहता है और दोनों साइड में रहता है। दोनों को पुशअप कर दीजिए तो ये खुल जाए। ये जो नीचे में इवापोरेटर देख रहे हैं, ये इवापोरेटर है, इसी से में आइस जमता है और कूलिंग होता है। इवापोरेट होकर के चारों तरफ कूलिंग डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये हो गया इलेक्ट्रिक डैम्पर, ये यही टेम्परेचर को एडजस्ट करता है कि किस साइड का टेम्परेचर कितना रहेगा। और ये जो हमारे हाथ में देख रहे हैं ये डिफ्रॉस्ट हीटर है। ये डिफ्रॉस्ट हीटर क्या करता है, जब इवापोरेटर पे बहुत ज़्यादा आइस जम जाता है तो डिफ्रॉस्ट में ऑटोमेटिकली लाइन चला जाता है और डिफ्रॉस्ट हो करके उसके आइस को गला देता है और फिर जा करके रीस्टार्ट हो जाता है कंप्रेसर। अभी हम फैन को खोलते हैं और आपको दिखलाते हैं कि डिफ्रॉस्ट हीटर का जैक कहाँ लगता है और फैन का जैक कहाँ लगता है और इसको कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आपको ये जो तीनों लॉक है उसको खोल दीजिएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ जो आप देख रहे हैं ये ऊपर वाला हो गया फ़ैन का और नीचे वाला जो हो गया वो डिफ्रॉस्ट हीटर का जैक हो गया। तो दोस्तों देखा मैंने आपको दो चीज़ के बारे में अभी बताया, एक बताया डिफ्रॉस्ट हीटर के बारे में, इवापोरेटर के बारे में और फ़ैन के बारे में। यहाँ पे का जितना प्रॉब्लम है इससे आपका रिजोल्यूशन अगर हो जाता है तब तो बेहतर। दोस्तों इवापोरेटर के ऊपर में ये सेंसर लगा रहता है। किसी भी सेंसर को चेक करने का बेसिक पैमाना है कि उस सेंसर को आप क्लैंप मीटर के ओम रेजिस्टेंस वैल्यू पे डाल दीजिएगा और उसका क्या कीजिएगा कि दोनों सिरा को क्लैंप मीटर में सटाइएगा और सेंसर को अपने हाथ पे रगड़िएगा। अगर उसका ओम रेजिस्टेंस वैल्यू घटता है या बढ़ता है तो समझ जाइएगा कि वो सेंसर प्रॉपर है। अगर उसका रेजिस्टेंस वैल्यू नहीं घटता है और नहीं बढ़ता है, कांस्टेंट रहता है, तो समझ जाइएगा कि वो जो सेंसर है ख़राब हो गया है। तो इससे क्या होगा कि अगर ये सेंसर ख़राब हो जाएगा तो इवापोरेटर पे बहुत ज़्यादा आइस जमा रहेगा, तो समझिएगा कि ये सेंसर को चेंज कर दीजिएगा। दोस्तों अंदर की तो सारी बात हो गई, अब हम चलते हैं ऊपर में। साइड बाई साइड का जो बाहरी पीसीबी होता है, एक्सटर्नल पीसीबी होता है, वो ऊपर साइड होता है। ऊपर में इस तरीके का चौड़ा सा प्लेट टाइप का आपको ढक्कन मिलेगा, इसमें चार पांच स्क्रू बड़े बड़े रहेंगे, उसको आहिस्ते से हटा दीजिएगा। इसके अंदर आपको दो पीसीबी मिलेगा, एक मेन पीसीबी हो गया आप येलो कलर का बड़ा वाला जो है वो मेन पीसीबी है और दूसरा जो है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव बोर्ड बोलते हैं। ये दोनों पीसीबी होता है, दोनों में से आपको दोनों पीसीबी को चेक करना है और इसमें जैक सारे को चेक करना है। कंप्रेसर का जैक चेक करना है, स्टेप बाय स्टेप सारे जैक को चेक करना है। पहले सारे कुछ को चेक कर लीजिएगा, उसके बाद सबसे पहले अगर आपका कूलिंग मोड में वर्क नहीं कर रहा है तो कंप्रेसर से जो पीसीबी से जो आउटपुट इनपुट जा रहा है उसको चेक कर लेना है। उसके बाद भी अगर आपका रिजोल्यूशन नहीं होता है तो सारा कम्युनिकेशन जैक, सारा फ़ैन का और डिस्प्ले का जितना सारा जैक है सारे को देख लीजिएगा। पीसीबी के अंदर एक जो है बहुत ही अजीब फीचर्स है और एक बहुत ही यूनिक चीज़ है जो अभी आपको हम दिखलाते हैं। ये देख सकते हैं पीसीबी के अंदर जो ये जैक सिस्टम लगा हुआ है, ये लगा रहना कभी कभी क्या होता है ये खुल जाता है, जिसके वजह से भी प्रॉब्लम आने की संभावना बनी रहती है।
तो दोस्तों साइड बाय साइड का अगर आप वर्क कर रहे हैं तो बहुत ही बारीकी से स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ को देखना होगा। ये चीज़ आपने देख लिया, इंटरनल पीसीबी को मैंने दिखला दिया, एक्सटर्नल को दिखला दिया, इवापोरेटर को देख लिए, सेंसर को देख लिए, डिफ्रॉस्ट हीटर को देख लिए। अब हम चलते हैं पीसीबी में जो एक रेड लाइट ब्लिंक करता है उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों अगर आप टेक्निकली बहुत फिट हैं तो ये जो पीसीबी में रेड लाइट ब्लिंक करता है इससे भी आप उसका प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन कर सकते हैं कि ये कितनी बार ब्लिंक कर रहा है और उसका क्या प्रॉब्लम है। साइड बाय साइड का मैंने जो एरर का प्रॉब्लम था उसके लिए पर्सनल वीडियो बनाए हुए हैं। तो दोस्तों देखा मैंने साइड बाय साइड के बारे में एक एक करके लगभग सारी जानकारी दे दिया हूँ। अब दोस्तों साइड बाय साइड का कंप्रेसर चेक करने का एक बेसिक सा पैमाना है। सबसे पहले कंप्रेसर का बॉडी चेक कर लीजिएगा, टर्मिनल टू कॉपर पाइप डिस्चार्ज या सक्शन दोनों में से किसी एक का मेज़र कर लीजिएगा। अगर अर्थिंग आ रहा है तो यानी कि शॉर्ट तो नहीं है। उसके बाद दूसरा प्रोसेस है कि कंप्रेसर के वायर में क्लैंप मीटर लगा के देख लीजिएगा कि एम्पियर ले रहा है कि नहीं। तीसरा आप देख लीजिएगा कि अगर एनआरबी लगा हुआ है तो उसमें प्रेशर है कि नहीं। चौथा पीसीबी से देख लीजिएगा कि आउटपुट वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। पांचवा ये देख लीजिएगा कि तीनों टर्मिनल का रेजिस्टेंस वैल्यू सेम है कि नहीं। डीसी कंप्रेसर का ये सिंपल सा पैमाना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। मैंने माइडिया के साइड बाई साइड में जो भी बेसिक एरर आता है, बेसिक प्रॉब्लम आता है, एक एक करके बहुत ही बारीकी से स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। तो दोस्तों अब मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़। आप लोग अपना ख्याल रखिए।